देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज आम बजट पेश किया है। देश की पहली महिला है जो जिन्होंने पूरी पूर्णकालीन तौर पर रहकर आम बजट पेश किया गया। इस वक्त हमारे साथ महिलाएं हैं नागपुर में कैट कार्यालय में, उनसे ही जानते हैं कि आखिर उनके बजट की क्या प्रतिक्रिया है। एक महिला ने मैडम बजट पेश किया गया, सबसे पहले बताएं आपका रिएक्शन क्या है, पूरा बजट आपने देखा? रिएक्शन तो ऐसा है कि पहली बार जैसे कि एक लेडी ने बजट पेश किया, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। लेकिन जिस तरीके से हमें बहुत आशाएं थी कि भाई लेडीज़ के लिए वो कुछ करेंगी, तो मुझे ऐसा कुछ खास दिखा नहीं है। क्योंकि जैसे कि उन्होंने जो लोन जो 1 लाख लोन की जो मुद्रा है, तो उससे मिडिल क्लास लेडीज़ का कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। और सेकेंडरी इन्होंने जो पेट्रोल एंड डीजल में जो 1 रुपीज़ का जो बढ़ोतरी की है, उसके वजह से भी मतलब काफ़ी लोग नाराज़ होंगे। क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी हमारे यहाँ पेट्रोल एंड डीजल के रेट्स इतने बढ़ चुके हैं, और आप 1 रुपीज़ करके ऐसे कितना, नहीं तो आज से अगर हम 5 ईयर बैक्स जाए तो आई थिंक 45-50 के अंदर ही पेट्रोल हुआ करता था और डीजल तो उससे भी कम था। लेकिन आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। फिर उसके ऊपर से आपने फिर से 1 रुपीज़ फिर से मतलब बढ़ा दिया है इसमें। एंड दूसरा चीज़ जैसे देखा जाए तो अब इन लोगों ने अब न्यू कॉइन्स, ऑलरेडी कॉइन्स का प्रॉब्लम है, ऊपर से और न्यू कॉइन्स लॉन्च हो रहे हैं, क्योंकि पुरानों का तो कुछ हो नहीं रहा है और नए लाके आपने कर दिया। और अब दुकान में भी जाते हैं तो देखिए कोई भी दुकानदार हो वो कॉइन्स लेने से इनकार करता है, वो नोट का ही मांगता है। कहीं कहीं पे तो उन्होंने लिख दिया है कि हमारे यहाँ कॉइन्स चलते ही नहीं हैं। तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम्स लेडीज़ को फेस करनी पड़ती है। फिर जैसे कि इन्होंने बजट में और एक चीज़ बताया, मैं हम इंडिपेंडेंटली कहीं जा नहीं सकते, कितने कुछ ना कुछ विवादों में महिला घिरी रहती है, हम हमेशा देखते रहते हैं कुछ ना कुछ महिलाओं के साथ कोई ना कोई एक्सीडेंट होते ही रहता है। मतलब पूरी तरीके से नहीं, लेकिन जितना हमने सोचा था आधा मतलब 50-50 हम कह सकते हैं कि 50-50। जी आप क्या कहेंगे मैडम, क्या सोच के आए थे? एक महिला बजट पेश कर रही थी और क्या हो गया? महिला पहली बार महिला पेश कर रही है तो बहुत हमारे लिए शान की बात है, लेकिन जो उम्मीद थी हम लोगों के विकास पथ के लिए, हम महिलाओं के लिए उतना नहीं हो पाया है। हम मानते हैं कि गांव की महिलाओं के लिए बहुत सुविधा दी गई है, लेकिन गांव की महिलाओं का जो विकास के लिए शिक्षा हुआ या बच्चों के शिक्षा पर कुछ भी नहीं बोला गया है, कुछ भी नहीं बताया गया है। बड़ी बड़ी कंपनियां तब ना, बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी के साथ हम पैर से पैर मिला के पढ़ने की बात कही गई है, जब हमारा जड़ ही मजबूत नहीं होगा तो वहां तक पहुंचेंगे कैसे? तो हमारे जड़ को मजबूत करने के लिए जो छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात थी, उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए, नहीं बताया गया। ये बहुत आप क्या कहेंगे मैडम, आज जो बजट जो पेश हुआ है? आज जो बजट पेश हुआ साधारण ठीक ठाक बजट है। इसमें सरकार ने अपनी लंबी योजनाओं के लिए काफ़ी ध्यान रखा है और साधारण लोगों के लिए इसमें कुछ विशेष नहीं किया गया है। और जो हल्के तबके की महिलाएं हैं, जो कम पगार वाली हैं या जिनकी कमाई कम है, उनको थोड़ा बहुत सुविधाएं दी हैं। और जो इन्होंने एक विशेष करके ग्रामीण भाग में महिलाओं की भागीदारी की बात करी है वो अच्छी है। और इसमें अगर महिलाओं ने, शहर की महिलाओं बोलो या गाँव की महिलाओं ने, अगर अपने देश के उत्थान के लिए अगर अपना आगे बढ़ना चाहा तो ये आगे बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। मुद्रा लोन की कहीं की बात की गई महिलाओं के लिए, 1 लाख तक का मुद्रा लोन है, साथ में ओवरड्राफ्ट की भी बात की गई। बावजूद इसके थोड़ा सा महिलाओं को लग रहा था कि जो उम्मीद जो थी उससे कहीं कहीं कम आया, क्या कहें? ये तो निर्मला जी ने जो बजट पेश किया है 5,000 के लिए, तो ये एक तरह से अच्छा ही है कि लेडीज़ों के लिए भी आगे बढ़ के कुछ कर सकती हैं कुछ लोन केस पे। और जो गांव सिटीज़न लोगों के लिए जो दिया वो भी कुछ करे, इसके लिए भी थोड़ा सा ये होता। तो आगे चल के आगे देखिए अब क्या बजट आगे क्या दिखाता है, और हम लोगों को खुशी हो, लेडीज़ लोगों को तो और अच्छी बात है। क्या कहेंगे? मुद्रा लोन एक्चुअली में इतना आसान नहीं है मिलना, ये आप भी जानते हैं। करा जरूर गया है शुरू, लेकिन वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी नहीं मिलता है और इवन महिलाओं को भी इतनी जल्दी नहीं देता है, कोई भी बैंक इतनी जल्दी मुद्रा लोन नहीं देता है। उन्होंने बोला है 1 लाख तक के लिए, लेकिन उसको फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, उनको सरल करना पड़ेगा कि उसके डॉक्यूमेंटेशन ये सब के लिए, तो जल्दी से महिलाओं को मिले और महिलाओं का सशक्तिकरण और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े।
हाँ, एक तो इन महिला जो सीतारमण महिला ने एक बजट पेश किया है इसके लिए हमें बहुत गर्व है, लेकिन जितनी हमें उम्मीदें थी उतनी नहीं हुई। इन्होंने एकदम हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारा दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे हमारा गरीब है देश, दरिद्र नारायण है, तो हमें नीचे लेवल से देना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर सरकारी स्कूल, सरकारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर कुछ भी नहीं बोला गया है। तो इसका मुझे बहुत हार्दिक दुख हुआ है कि बड़े लोगों को बहुत महत्व दिया है, मिडिल क्लास और नीचे के लोगों को छोड़ दिया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सीतारमन जी इस पर भी ध्यान दें और हमारे प्राथमिक व्यवस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था को ज़्यादा महत्व दें। धन्यवाद। इतने सालों के बाद कोई लेडी फाइनेंस मिनिस्टर बनी, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा और हमने इसलिए उम्मीद किया था कि वो हमारे लेडीज़ के बारे में थोड़ा सोचेगी, मगर वो ऐसे पर्टिकुलर लेडीज़ के बारे में नहीं सोची, पूरा देश के बारे में सोची है। जैसे एक घर चलाने के लिए एक लेडी को देखिए, वो कैसे घर चलाते, पूरा जेंट्स उनके हाथ में पैसे दे देते हैं, मगर वो बजट कैसे बनाती हैं कि कौन सी जगह क्या क्या चीज़ चाहिए, सब चीज़ों में थोड़ा 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 करके ध्यान देती है। हालांकि उन्होंने कोशिश की मगर मुझे उतना ये नहीं लगा, समाधान नहीं लगा। और वो सोचना चाहिए जैसे हेल्थ के बारे में, पेट्रोल के बारे में, हर चीज़ों के बारे में, एजुकेशन के बारे में। वैसे तो ब्रेन ड्रेन हो ही रहा है, हायर एजुकेशन कर कर के वो और सही नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से जब बाहर के कंट्रीज़ के लोगों को यहाँ बुला के उनका पैसा ये करने का सोच रहे, इन्वेस्टमेंट पहले से ही तो हम लोग को वैसे अंग्रेज लोग आके सब कर लिए थे, हम तो पहले ही डूबे हुए थे और हमको एक एक्सपीरियंस है, और बाहर को बुला के हमको और मत कीजिए कि हम फिर से गुलाम बन जाएंगे, हमें इससे कोई तरक्की होगा नहीं लगता। थोड़ी सी निराशा और थोड़ी सी खुशी अगर बात की जाएगी यहाँ पर नागपुर की महिलाओं की, तो कहीं ना कहीं एक जो उम्मीद की जो किरण थी आज सुबह बजट होने पेश होने से पहले, कहीं ना कहीं वो नज़रअंदाज कर दिया गया उन सारी चीज़ों को। और हालांकि महिलाओं के लिए कुछ हद तक जो स्कीमें जो लाई गई है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन मुद्रा लोन की एक महिला ने जब बात की कि मुद्रा लोन मिलना इतना सरल नहीं है, तो उसको उसके सरल तरीके को भी आजमाना पड़ेगा और सरकार को इस और ध्यान देना पड़ेगा। तो कैमरा पर्सन बोगले के साथ मुकेश राव, MBM न्यूज़ नागपुर।